हेलो एवरीवन, दिस आई टवलीन हेयर एंड यू ऑल आर वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी श्योर यू वन थिंग, इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले कि हमने आज से पहले ऑलरेडी बहुत बार इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम जो इंग्लिश देखने जा रहे हैं क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, कैसे हम उसको गो थ्रू करने वाले हैं, सो डैट हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें जो इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें हमारी कमांड इतनी अच्छी रहे कि हमारा हर एक जो मल्टीपल चॉइस होंगे वहाँ पर वो एक्यूरेट होने चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर रूल्स जो हैं वो क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बी विद मी और मेरे साथ जितनी भी ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने उन ट्रिक्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको क्रैम नहीं करना और उनकी एक्सरसाइजेस के साथ हमने उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, सो डैट एग्ज़ाम में जैसे ही हमें सेंटेंस दिखे हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए एकदम से कि यार इसका आंसर डेफिनेटली ये वाला होने वाला है जो हमें बेसिक प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो मेजर स्टूडेंट्स को एक ही इशू देखने को मिलता है वहाँ पर, दे थिंक दैट ऑल द ऑप्शंस आर यू नो नियर बाय, बहुत क्लोज दिख रहे हैं हमें क्वेश्चन के, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड बाय द नेम ऑफ गॉड आप किसी एक को मार्क करके आते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें इतना परफेक्ट होना है कि हमें सेंटेंस को देखते ही क्लियर होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट इज़ द टिप फॉर दैट पर्पस, यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट अगर आपका कोई भी एक वीडियो मिस हो रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे मूव नहीं करेंगे, पहले आप प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे, बिकॉज इंग्लिश में टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आपकी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक टॉपिक स्किप कर दिया तो आप दूसरे टॉपिक की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे रूल्स जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी माइट भी वो सेकेंड टॉपिक से भी रिलेट करें। सो आई होप बेसिक टिप्स आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द first and the most important topic of English grammar, that is tenses. Already आपने go through किए होंगे, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक चीज़ की guarantee है अच्छे से याद हमें नहीं है, है ना, बहुत बार भूल जाते हैं हम, यार has क्यों आ रहा है, excuse me had क्यों आ रहा है, have कहाँ पर use होने वाला है, is am are was but lot many n number of doubts, उन doubts को हम clear करेंगे आज यहाँ पर। बस आपने एक ही चीज़ mind में रखनी है guys, cram नहीं करना, अभी जो मैं समझाऊँगी आपको आपने उसको समझना है। देखो समझने में और cram करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही बोलेंगे मैम टेंसेस तो हमने यही पढ़े हैं कि टेंसेस का मीनिंग होता है टाइम। ऑल राइट, ऐसा ही होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक टाइम लिखा है 8:30, ओनली 8:30। अब आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा टाइम है, क्या ये पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है या प्रेजेंट है? Do you have an idea कि मैंने कौन से टाइम की बात की? Obviously no, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइम बताया है 8:30, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया 8:30 आज सुबह के जो हो चुके हैं या शाम के जो अभी आने वाले हैं या कल के जो ऑलरेडी हो चुके हैं या आने वाले कल के जो अभी तक टाइम एग्जिस्ट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स डाउट है। यहाँ पर टाइम अकेला कभी भी टेंस नहीं होता। देन फिर टेंस होता क्या है गाइस? सिंपल वे में आपने देखना है, टेंस दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, मैंने यहाँ पर ब्रीफ किया हुआ है, द टेंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, नॉट ओनली टाइम। टाइम के साथ साथ टेंस और किसका मिक्सचर है? काम का, वर्क का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल 8:30 बजे डिनर किया था, मैंने 8:30 टाइम तो बताया है, लेकिन उसके साथ मैंने वर्क को भी मेंशन किया कि मैंने कल 8:30 पे क्या किया, मैंने 8:30 पे डिनर किया था। इट मीन्स मेरे वर्क ने ये बता दिया कि भाई मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी आज मैं आप बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मीन्स मैंने आज आपको बता दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं टाइम मेंशन करना चाहूँ तो मैं टाइम भी मेंशन कर सकती हूँ, मीन्स ये मेरा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। कल सेम टाइम पर स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रही होंगी, मीन्स ये एक्शन मेरा फ्यूचर में जाने वाला है। तो हम बोलेंगे टाइम सिर्फ टेंस सिर्फ टाइम नहीं होते, टाइम के साथ साथ ये किसको डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कि हम क्या काम कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आई एम टीचिंग, है ना, क्या एग्जाम्पल है? आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ।
अब यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये पढ़ाना अभी कौन से एक्शन चल रहा है, ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है ना। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं प्रेजेंट में अभी काम कर रही हूँ। तो टीचिंग क्या है, वर्क। तो वर्क यहाँ पर क्या बता रहा है, अभी ये एक्शन हो रहा है। तो हम सिंपल वे में क्या बोलेंगे, टेंस दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, किसका, टाइम का और वर्क का। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम तो हमें इतना क्लियर है, टाइम तीन ही टाइप्स का होता है। टाइम या तो पास्ट हो सकता है जो बीत चुका है ऑलरेडी, टाइम या तो प्रेजेंट हो सकता है जो अभी चल रहा है, या तो टाइम आने वाला होगा। टाइम सिर्फ तीन टाइप्स का ही होता है ना, उससे ज़्यादा टाइम हमारा किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होता। देन वर्क हमारा कितने टाइप्स का होता है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। एक वर्क होता है कंटिन्यूअस। अब मैम कंटिन्यूअस क्या होता है, आपने कंटिन्यू का एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है, कंटिन्यू मीन्स ऑनगोइंग, वो काम जो अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। कंटिन्यू मतलब एक्शन जो है वो अभी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू। स्टूडेंट्स को भी हम बोलते हैं बी कंटिन्यू विद योर वर्क, है ना, आप अपने काम के साथ कंटिन्यू रहिए, रुकिए मत, मींस आप अपने एक्शन को ऑनगोइंग रखिए। तो एक काम होता है जो अभी हो रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका भी एक्शन अभी हो रहा है, मेरा भी एक्शन अभी हो रहा है। तो हम कौन से काम की बात कर रहे हैं, जो अभी हमारा चल रहा है, तो कंटिन्यू क्लियर है। अब सेकंड परफेक्ट कौन सा काम होता है, देखो परफेक्ट कौन सा काम होगा, आपने टेंस में एक सिंपल सा टर्म याद रखना है, परफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर वो नहीं रहता जो हम जनरल वे में बोलते हैं कि ये चीज़ 100% एक्यूरेट है। हम यहाँ पर टेंस में परफेक्ट को बोलते हैं कंप्लीटेड, ये आप याद रख लीजिए। टेंस में परफेक्ट का क्या मीनिंग होता है, कंप्लीटेड मींस काम ख़त्म हो चुका है। हम ऐसे भी बोलते हैं, यार उसने बहुत ही परफेक्ट वे से घर को मैनेज किया हुआ था जब मैं उसके घर गई थी, है ना, मतलब आपने देखा था कि वहाँ पर वो काम बहुत अच्छे से हुआ था। तो परफेक्ट हमेशा क्या बताता है, वो काम जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डेज़ के बाद मैं आपको बोलूँगी कि हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, मतलब हम अपना काम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक काम कौन सा होता है जो चल रहा है, दूसरा काम कौन सा होता है जो हो चुका है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड काम कौन सा होता है, ये कहता है इनडेफिनेट, मीन्स ये प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं करता कि ये हो चुका है या अभी चल रहा है। इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट। वर्ड इनडेफिनेट मीन्स वो चीज़ जो प्रॉपर नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, मीन्स ये एग्जैक्टली बताते नहीं हैं कि ये अभी चल रहे हैं या ये अभी हो चुके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर जब हमें ये तीनों समझ आ जाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ऑब्वियसली लास्ट में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो गाइज इतना आपको क्लियर हो गया, टाइम कितने टाइप्स के होते हैं, 3, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 4, कंटिन्यूअस मींस जो अभी चल रहा है, परफेक्ट मींस जो हो चुका है, इनडेफिनेट मींस कोई आइडिया नहीं है, हो रहा है कि हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, टेंस क्या होते हैं, टेंस 2 चीज़ों का मिक्सचर है, टाइम का और वर्क का। यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिएगा यहाँ पे टाइम एंड वर्क, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। टाइम कह रहा है मैं कौन हूँ, टाइम कहता है भाई मैं कौन हूँ, मैं मेन हेल्पिंग वर्ब हूँ, ठीक है। टाइम कहता है मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ सेंटेंस का, और काम कहता है मैं क्या हूँ, मैं मेन वर्ब हूँ सेंटेंस का। अब मैम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हमारा मेन वर्ब क्या होते हैं सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रही हूँ, मार्केट। पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ब क्या होते हैं।
अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं वो वर्ड्स जो हमें क्या बताते हैं, एक्शन। वर्ब हमें क्या बताते हैं, एक्शन। अब एक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रही हूँ तो मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आप भी क्या कर रहे हो, आप भी एक्शन कर रहे हो। जितने भी वर्ड्स एक्शन को डिनोट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। फॉर एग्जांपल, खाना पीना सोना नाचना गाना, कोई भी एक्शन कोई भी एक्टिविटी, उनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हम यहाँ पर समझते हैं मेन वर्ब क्या और हेल्पिंग वर्ब क्या। देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर आप देखिए एक्शन क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग मतलब जाना, तो एक्शन कौन से वर्ड ने बता दिया, गोइंग ने। सेकेंड में देखते हैं, शी वॉज़ कुकिंग फूड, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो बनाना मतलब एक्शन, तो वो क्या हो गया, कुकिंग। जो वर्ड्स एक्शन को डिनोट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। इतना क्लियर हो गया। अब मैं सेंटेंस ऐसे लिखूँ, आई गोइंग टू मार्केट, क्या इसकी सेंस कंप्लीट है, नो। शी वॉज़ कुकिंग फूड, येस। She cooking food? No. It means in main verb से पहले हमें कुछ और verbs चाहिए, जैसे कि is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall. All these verbs are known as helping verbs. इन verb को हम क्या बोलते हैं, helping verb. Helping verb always किससे पहले use होते हैं, main verb से, so that वो उस sentence को एक complete meaning provide कर सके। क्लियर हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इज एम आर हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट को। डिड वाज वर हैड, ये किसको डिनोट करते हैं, पास्ट को। विल शैल हैव, ये किसको डिनोट करते हैं, फ्यूचर को। अब इस सेंटेंस में आते हैं, हम पहले इसको देखते हैं, शी वॉज कुकिंग फूड। अब वॉज लगाया ना, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। आप देखो यहाँ पर वॉज कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वॉज किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का। तो मुझे पता चल गया मैं कौन से टेंस की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ। मीन्स ये वॉज ने मेरा क्या बता दिया, टाइम, और कुकिंग ने क्या बता दिया, काम। तो टेंस किन दो चीज़ों का एक्शन होता है, टाइम का और वर्क का। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं आपके, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब आपको क्या बताएंगे, टाइम। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर हैज हैव यूज हो रहा है, आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वॉज वर हैड जहां पर भी यूज हुआ, एकदम से पास्ट। विल शैल या विल शैल हैव, फ्यूचर। यहां से आपके टेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है जब आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाते हैं कि प्रेजेंट के कौन से हैं, पास्ट के कौन से और फ्यूचर के कौन से। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग एकदम से क्लियर हो गया, वर्ब है, एक्शन है। एम कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का। तो कौन सा टेंस है भाई, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो क्लियर है। तो इस वे से एक्शन टेंस किन दो चीजों का मिक्सचर होता है, टाइम का और किसका, टाइम का और किसका, वर्ब का। यस, टाइम का या वर्ब कह लीजिए या एक्शन कह लीजिए। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको कि टेंस एक्चुअली हैं क्या। तो अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि जो टेंस हैं वो ओनली क्या डिनोट करते हैं, टाइम। नहीं, टाइम के साथ साथ उस टाइम पे होने वाले काम को भी कौन डिनोट करता है, टेंस। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिए, इसको देखते हैं। The girl is running too fast. क्या है, The girl is running too fast. अब देखिए running क्या है, work। ये किसको denote कर रहा है, काम को। इस कौन सा helping verb है, present। तो कौन सा tense हो गया, present। सोचने में time ही नहीं लिया। So in this way you can understand tenses, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कि भाई हमारे टेंसेस की टाइप्स कितनी है। मैम सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इसको याद रखना ही बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे,
आपने कुछ भी नहीं करना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इनको इतना ज़्यादा आपने सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है। ओनली टाइम फ्रेजेस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने वो याद रखना है, उससे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और थर्ड वन कौन सी होती है? फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस फर्दर डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। पास्ट टेंस भी फर्दर डिवाइड हुआ 4, और फ्यूचर टेंस भी डिवाइड हुआ 4 सब टाइप्स में। ठीक है, अब प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स जिस स्टेट में अभी हम रह रहे हैं, जो प्रेजेंटली हम काम कर रहे हैं वो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट। पास्ट कौन सा टेंस होता है? वो टाइम जो ऑलरेडी हमारा पास हो चुका है, वो टाइम जो बीत चुका है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट। और फ्यूचर मीन्स वो टाइम जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है लेकिन कुछ देर के बाद वो टाइम आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, और आप इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम यहाँ पे भी। पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप से, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस के साथ साथ फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रेजेंट टेंस कौन सी स्टेट को डिनोट करता है? प्रेजेंट की, वो स्टेट जो अभी हमारी एग्जिस्ट की हुई है, जिसमें हम प्रेजेंटली अभी बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइज इसको बहुत ही ध्यान के साथ समझना, बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने आपके लिए ये प्रेजेंट किया है, सो डैट आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना। देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाती हूँ, रूल नहीं देखना है, डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, बस समझो। देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, टेम्पल, है ना, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस। अगर आपके पेरेंट्स डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, इट मींस वो उनकी क्या बन चुकी है? हैबिट। आप डेली कॉफ़ी पीते हैं, वो आपकी क्या बन चुकी है? रूटीन। इधर रूटीन और हैबिट। आप डेली सुबह न्यूज़पेपर रीड करते हैं, अगेन वो आपकी क्या है? रूटीन। आप डेली प्लेग्राउंड में गेम्स खेलने जाते हैं, वो भी आपकी क्या है? हैबिट। प्रेजेंट में जो चीज़ें आपकी हैबिट्स हैं, जो चीज़ें आपकी रूटीन बन चुकी हैं, उनको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ईजी था? आपने सिंपल क्या याद रखना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या डिनोट करता है? अब देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है आपके हैबिचुअल एक्शंस को, या तो आपकी रूटीन को, वो काम जिनको आप डेली बेसिस पे करते हैं और वो आपकी क्या बन चुकी हैं? रूटीन बन चुकी हैं। मैम अब ये हमें एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, हमने इसको याद कैसे रखना है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एरर कैसे पूछा जाएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सिंपली आपने क्या याद रखना है, जब भी कहीं पर भी रूटीन की बात होगी या हैबिट की बात होगी प्रेजेंट की, आपने वहाँ पर ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म। ये एरर आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट की रूटीन की बात हो रही होगी, माइट बी सेंटेंस आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में दिया होगा या थर्ड फॉर्म में दिया होगा। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, रूटीन और हैबिचुअल एक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन वर्ब विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकेंड फॉर्म क्या है? एट। थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन।
ईट एट इटन, ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म, ईटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, मैं डेली एप्पल खाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मैं डेली क्या खाती हूँ, एप्पल. अब देखिए मैंने यहाँ पर एट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये मेरी कौन सी हैबिट है प्रेजेंट की. माइट बी एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस ऐसा दे दे, मनीषा एट एन एप्पल एवरी डे, मनीषा डेली एप्पल खाती है, तो उन्होंने वहाँ पर एवरी डे भी लगाया है, एवरी डे मतलब डेली, हैबिट है, रूटीन है. लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा है, एट, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई सेकंड, तो एरर क्या होगा वहां पर, एट नहीं होगा, ईट होगा. क्लियर हुआ, जो भी एक्शंस हमारे हैबिट्स और रूटीन है वो ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में. क्लियर. अब सेकेंड रूल कहता है हमारे पास स्ट्रक्चर इसका क्या होगा वो अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए अब अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरी मदर डेली वॉक पर जाती हैं. अब माय मदर, ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल. ठीक है, सिंगुलर और सेकेंड कौन सा है हमारा, प्लूरल. अब सिंगुलर हमारे पास कौन कौन है, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट भी क्या होता है सिंगुलर. ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट रेन्स एवरी डे. ही शी इट ऑलवेज किसके लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए. अब मैम आई भी तो सिंगुलर है, आई भी तो अकेला है, लेकिन आप ये याद रखेंगे आई को टेंस में हम ऑलवेज किस में लिखते हैं, प्लूरल में. क्लियर हो गया, वी यू दे ये हमारे क्या है, प्लूरल है. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, जब भी आपका सिंगुलर आता है, क्या आता है, ही शी इट आता है, आपने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, लेकिन साथ में या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा. क्लियर है, क्या होगा सिंगुलर के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस आता है या ई एस आता है. सामने लिखा हुआ है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस, ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए. एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करिए, देखिए एग्जाम्पल क्या है, शी. अब यहाँ पर आ गई हमारे पास एग्जाम्पल शी, क्या कह रहा है, वो वॉक पर जाती है रेगुलरली. अब शी गो तो है, गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में हम क्या लिखेंगे, एस और ई एस. शी गोज टू वॉक रेगुलरली मीन्स जब भी सिंगुलर होगा, ही प्लेज क्रिकेट, इट रेन्स एवरी डे, ही शी इट हमेशा किसके साथ एग्री करेगा, एस और ई एस के साथ. क्लियर हुआ. अब मैम अगर प्लूरल है, देखिए प्लूरल है तो हम ये एग्जाम्पल भी देखते हैं. मैंने आपको क्या बोला, प्लूरल में हमारे पास क्या क्या है, आई वी यू और दे. अब एग्जाम्पल देखिए, आई, आई के साथ प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो प्लूरल के साथ कभी भी एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल दे ईट एन एप्पल, वो क्या खाते हैं, वो एप्पल खाते हैं. अब दे के साथ ईट्स नहीं आएगा. क्लियर है, सिंगुलर किसके साथ एग्री करता है, एस और ई एस के साथ, और प्लूरल के साथ कभी भी एस और ई एस यूज़ नहीं होगा. क्लियर. नाउ वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा. शी ईट्स एन एप्पल सिंगुलर है, दे ईट एन एप्पल ये क्या है, प्लूरल है. गाइज अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है, अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है तो मैं क्या लिखूंगी, शी डज नॉट ईट एन एप्पल, दे डू नॉट ईट एन एप्पल. अंडरस्टैंड इट केयरफुली, मैं जूम कर देती हूँ, पहले सिंगुलर पे आते हैं, देखिए क्या है, शी ईट्स एन एप्पल. वेन एवर हम सिंगुलर का नेगेटिव बनाते हैं तो वो अपने साथ किसको एग्री करता है, डस को. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, डस. सिंगुलर में कौन कौन आ गया आपका, ही शी इट, ये ऑलवेज किसके साथ एग्री करते हैं, डस के साथ. और इम्पॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, डस के बाद ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा, क्योंकि एस और ई एस ऑलरेडी यहां पर यूज हो चुका है. शी डजंट ईट एन एप्पल,
She doesn't like to swim. She doesn't play outside. She doesn't eat. She doesn't sleep. She doesn't go. She doesn't move. Does के साथ आगे जो भी verb होगा उसके साथ s और es नहीं लगता है. Clear है. और जब plural की बात होगी, अब यहाँ पर plural क्या है? They eat an apple. जब हम इसको negative करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? Do. अब plural में क्या उन कौन है? I, we, you, they. ये किसके साथ agree करते हैं? Do के साथ. He, she, it किसके साथ agree करते हैं? Does के साथ. I hope आपको ये clear हो गया कि हमारा जो verb की first form है वो कहाँ पर use होती है. Verb की first form वहाँ पर use होगी जब हम कौन से actions के बात करेंगे? Habit और routine की. ऑल राइट. और अगर हमारा सिंगुलर की बात हो रही है ही शी इट किस तो उनके साथ एस और यस ऐड होगा. अगर आई वी यू दे है तो उनके साथ एस और यस एग्री नहीं करेगा. ही शी इट किसके साथ एग्री करते हैं? डस के साथ. आई वी यू दे किसके साथ एग्री करते हैं? डू के साथ. सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कहाँ पर यूज़ होती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन.